बेटा तुम अकेले आई हो, तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया। खाला आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता रही थी हम ना कि खराब थे, आप ठीक है? बस बेटा ये ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी अल्लाह किसी को ना दे, बस दवाइयाँ खाते रहो, बंदा गायब दवाइयाँ वहीं की वहीं रह जाती हैं। तुम्हारी सास कैसी है बेटे? हम अम्मी अब ठीक है, वो पहले काफी तबीयत खराब थी लेकिन अब बेहतर है। भाई जब ठीक थी तुम्हारी सास तो आ जाती ना, रिफत ने इतने प्यार से बुलाया था और सामने ही तो घर है, एक कदम इधर रखो और अगला कदम उधर। बस रहने दें, सांस तो लेने दें बच्ची को, आते ही शुरू हो गए। इनको तो बस मौका चाहिए होता है बोलने का। अब क्या मैं मुंह पे टेप चिपका के बैठा रहूं? यहां तो बात करना भी फजूल है। तुम दिल पर नहीं लेना बेटा, जानती तो हो इनकी आदत, अब इस उम्र में कहां बदलेंगे ये। सलवा बहुत प्यारी लग रही हो, कलर बहुत प्यारा लग रहा तुम पे। वाहज भाई तो फदाई हो गए होंगे, इतनी प्यारी बीवी जो मिली है। अम्मी भाई और भाभी कहाँ हैं? हाँ बेटे किधर है अनुषे और शेरदिल, जाओ ना बुला के लाओ। अगर आज वाहज भी यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा लगता। जब से शादी हुई है वाहज से मुलाकात ना होने के बराबर है, बहुत बिजी रहता है क्या? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आओ ना बैठो बैठो बैठो, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ बेटे आज के साथ बैठो यहाँ पे। तो बहुत बिजी है क्या आजकल? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिजी तो बहुत रहता हूँ यार। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी जॉब की नेचर ही कुछ ऐसी है, आने जाने का कोई टाइम ही नहीं होता, लेकिन आज मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। बहुत अच्छा किया बेटे। ये खाला है सलवा की, इस्लामाबाद से आई है, बहुत इन्हें शौक था तुमसे मिलने का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा और ये आफाक भाई हैं और ये हमना है हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां तुम तो यहाँ आते थे ना, मैंने देखा है तुम्हें। अरे खालू छोड़े ना इन बातों को। अरे नहीं नहीं ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, जिन हालात में मैं यहाँ आया करता था वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं आमतौर पर हमारी जैसी जॉब के अंदर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे अम्मा ने बताया। बहुत शुक्रिया, करम है अल्लाह का। वैसे वाहज भाई आप भी कहीं अपने मुजरिमों को ड्राइंग रूम की सैर तो नहीं कराते दूसरे पुलिस वालों की तरह? नहीं ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ लोग लातों के भूत होते, बातों से नहीं मानते। तो सब ठीक है कहते हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ट्रू। जाओ बेटे देखो खाना लग गया हो तो बताओ। चलो शाबाश आए जी, आ जाओ मेरे। चलो आ जाओ।